सवा सात साढ़े सात बजे के आसपास एक किशोर को लाया गया था जिसको सड़क दुर्घटना जो कि स्कूल के पास में हुई उस पर चोट आई थी। स्कूटी से जा रहा था, किसी वाहन से ठोकर लगी। स्विफ्ट में स्कूटी सवार छात्रा को कुचला, मौके में हुई मौत। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां सिरमौर चौराहे से जा रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार छात्र की जान ले ली। घटना को देखते ही मौके पर पहुंचे राहगीरों द्वारा छात्र को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत छात्रा की पहचान सक्षम अग्रवाल के रूप में की गई। मृतक किशोर शहर के ज्योति स्कूल का छात्र बताया गया है, जो सुबह अपनी स्कूटी लेकर चल रही खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस द्वारा सड़क हादसे का प्रकरण पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। आज प्रातः सवा सात साढ़े सात बजे के आसपास एक किशोर को लाया गया था जिसको सड़क दुर्घटना जो कि स्कूल के पास में हुई उस पर चोट आई थी। स्कूटी से जा रहा था, किसी वाहन से ठोकर लगी। मृत अवस्था में लाया गया था तो उसको शव को शवगृह में रखा हुआ पुलिस को सूचना दी है। और एक महिला है, 85 वर्षीय वृद्धा है, उनको ऐसा बताया गया कि किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से लेके आया गया था। मृत अवस्था में इन दोनों को शवगृह में रखा हुआ पुलिस को सूचना दी है पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।